हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीनूज होम फूड। आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट केक। मे बी आपको ये दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगे क्योंकि मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट की जगह पे डेयरी मिल्क चॉकलेट का यूज़ किया है और चेरी का कलर भी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, सो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत ही यमी केक बना है। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आई होप आपको और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी, बनाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक कप दूध। अब दूध को मैंने थोड़ा सा हल्का सा गर्म किया है, इतना गर्म कि आसानी से मैं इसमें अपनी फिंगर डिप कर सकती हूँ, ये देखिए। चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइट विनेगर। तो एक छोटा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी वाइट विनेगर। आप विनेगर की जगह पे सिरके का यूज भी कर सकते हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। चलिए ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो तब तक हम अपना मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने एल्युमिनियम का मोल्ड लिया है, आप इसकी जगह पे कोई भी स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे बटर से ग्रीस करेंगे, अंदर की तरफ पूरा इसको अच्छे से ग्रीस करना है। बटर की जगह पर आप कोई भी कुकिंग ऑयल या फिर घी का यूज़ भी कर सकते हैं। हाँ, मस्टर्ड ऑयल का यूज़ आपको नहीं करना है क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का होता है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप बटर पेपर इजीली अपने घर पर बना सकते हैं, आपको करना क्या है, एक नोटबुक से एक पेज लेना है, उस पेज को आपने दोनों तरफ से बटर या घी से ग्रीस करना है। और उसके बाद आपने उसको एक कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेना है, तो आपका बटर पेपर बन जाएगा। और अगर वो भी नहीं करना है तो आप बटर लगाने के बाद इसके अंदर की तरफ अच्छे से आप इसे मैदे से डस्ट कर सकते हैं और बाद में इस तरह से उसको हिलाकर मैदे को निकाल सकते हैं, तो आपका कप इससे भी बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने लेना है कोई भी एक बड़ा सा पतीला और उसमें हम डाल देंगे नमक। तो इस नमक से हमने पतीले का जो बॉटम सरफेस है ना, उसको अच्छे से ढक लेना है। तो इस तरह से हम नमक को फैलाकर उसे अच्छे से कवर कर लेंगे, इससे हमारा पतीला जलेगा नहीं। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे एक वायर स्टैंड, या फिर आप चाहें तो एक फ्लैट कटोरी से भी अपना काम चला सकते हैं। और अब हमने इसको ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करना है 10 to 15 मिनट। तो जब तक हमारा पतीला गर्म होता है, चलिए तब तक केक के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा दूध फट चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखिए। तो इसमें हम दही का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा कप तेल। तो ये मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चम्मच की बात करूँ तो ये 4 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल के डाले हैं। इसके बाद हम ले लेंगे एक छाननी और छाननी में हम डाल देंगे 1 कप मैदा। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे चीनी पाउडर 1/3 पार्ट। तो ये नॉर्मल शुगर जो होती है उसको मैंने ग्राइंड करके लिया है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कोकोआ पाउडर 1/2 कप। तो अगर आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं है, आप किसी भी चॉकलेट को मेल्ट करके इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे चम्मच की हेल्प से छान लेंगे। और अब हमने इसको स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो दूध का सही मेजरमेंट नहीं है कि कितना दूध इसमें लगेगा, बट हाँ, बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए कम या ज़्यादा दूध लग सकता है। चलिए थोड़ा सा दूध हम इसमें और ऐड करेंगे।
तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमने इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना है। देखिए अभी भी इसमें थोड़े से लम्ब्स मुझे दिख रहे हैं, तो इन लम्ब्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैं ये विस्क का यूज़ करूँगी। देखिए धीरे धीरे इससे लम्ब्स ख़त्म हो रहे हैं और बैटर को आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा बैटर बन गया है। और ये देखो रिबन की तरह फ्लोई सा बैटर हमारा बनना चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है बैटर की। और अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और पिंच भर नमक। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। हाँ यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे हमने विगसली मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है ताकि हमारा केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। तो ये देखिए बैटर हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है और अच्छे से फ्लोई टाइप बैटर हमारा बना है। चलिए अब हम बिना देरी किए हुए इसको ट्रांसफर कर देते हैं मोल्ड में। और अब हमने इसको 2 से 3 बार इस तरह से टैप कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे डाल देंगे प्रीहीटेड पतीले में। तो यहाँ पर हमने पतीला ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से गर्म हो चुका है, तो केयरफुली हम इसको इसके अंदर रख देंगे। और अब इसके ऊपर एक ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए रखते हैं 30 से 40 मिनट और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो आफ्टर 30 मिनट आप इसे एक बार चेक कर लेना। चलिए जब तक हमारा केक पकता है ना, तब तक हम केक को डेकोरेट करने के लिए कुछ प्रेपरेशन कर लेते हैं। तो ये मैंने चेरीज ली हैं, रेड कलर की नहीं है, थोड़ी सी डार्क कलर की है। और अब हमने क्या करना है, एक पैन ले लेंगे और अब हम बनाएंगे चेरी सिरप। तो चेरी सिरप बनाने के लिए मैं यहाँ पे 5 से 6 चेरीज को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। इसकी डंडी और सीड को हम निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच चीनी और आधा कप पानी। अब इसे हम गैस के ऊपर रख देंगे और बॉईल होने तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए चेरी हमारी बॉईल हो रही है। चलिए अब गैस को बंद कर लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे एक कटोरी में। तो मैं चेरी सिरप को अलग कर लूँगी और बचे हुए चेरी के पीसेस को अलग कटोरी में डाल दूँगी ताकि मैं इसे केक की डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकूँ। तो ये देखिए हमारा चेरी सिरप रेडी हो चुका है और ये रहे चेरी के बचे हुए पीसेस जिन्हें हम केक डेकोरेशन में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए अब एक लास्ट प्रेपरेशन और कर लेते हैं। और अब हमें चाहिए डार्क चॉकलेट शेविंग्स। तो मेरे पास डार्क चॉकलेट नहीं है, सो मैं डेयरी मिल्क चॉकलेट का ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट्स ली हैं और अब हम इन्हीं से ही शेविंग्स बना लेंगे। तो चाकू की हेल्प से हम इन्हें क्रश करके चॉकलेट शेविंग्स तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए तो ये चॉकलेट शेविंग्स भी रेडी हो गई हैं। चलिए अब चलते हैं केक की तरफ।
तो केक को रखे हुए 30 से 35 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे चेक कर लेंगे। अच्छा, चेक करने के लिए या तो आप टूथपिक या फिर इस तरह से फॉक का यूज़ कर सकते हैं। अगर टूथपिक या फॉक बिल्कुल क्लीन निकले, इट मीन्स हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है, और अगर क्लीन ना निकले तो डोंट वरी, आप उसे 5 मिनट और कुक कर लेना। तो चलिए अब हम इसे केयरफुली निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। हाँ, आपको इसे किसी कपड़े से ढककर रखना होगा ताकि इसका ऊपर का सरफेस ड्राई ना हो। तो आफ्टर 30 मिनट हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये देखिए, आप ये देखिए कैसे केक ने मोल्ड को छोड़ दिया है। तो बहुत ही ईजीली हमारा केक निकल जाएगा। लेकिन हाँ, आप चाकू की हेल्प भी ले सकते हैं केक को निकालने के लिए। तो इस तरह से हम साइड में से चाकू लगाएंगे और अब हम ले लेंगे एक प्लेट और इस तरह से इसको इस प्लेट में हम पलट लेंगे। अब हम इसे धीरे से 2-3 बार इस तरह से टैप करेंगे और इजीली हमारा केक निकल जाएगा। तो चलिए अब धीरे से इसका ये बटर पेपर भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारा केक बेक हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा केक बना है, ये देखिए। चलिए अब हम इसे 3 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। तो या तो आप चाकू की हेल्प से या फिर थ्रेड से भी आप इसको लेयर्स में कट कर सकते हैं। तो एक लेयर मैं आपको चाकू से कट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने चाकू से पहले इसको निशान लगा लेना है। तो ये रही हमारी फर्स्ट लेयर। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा केक बेक हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी लेयर हम कट करेंगे थ्रेड से। तो ये रही हमारी दूसरी लेयर और ये रही तीसरी लेयर। तो चलिए अब केक को हम डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है और एक स्टील की प्लेट, छोटी प्लेट मैंने इसके ऊपर उल्टा रखी है। अब हम ले लेंगे थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम और प्लेट के सेंटर में इसे थोड़ा सा फैलाकर लगा लेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब इसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे केक की फर्स्ट लेयर और अब हमने इस लेयर को मॉइस्ट करना है। तो इसके लिए हमने चेरी सिरप ऑलरेडी बना कर रखा है, तो इससे हम इसको मॉइस्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पर केक को मॉइस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा केक ड्राई हो जाएगा। तो ये मॉइस्ट हो गया है। चलिए अब हम इसके ऊपर लगाएंगे व्हिप्ड क्रीम। तो ये होममेड व्हिप्ड क्रीम का यूज़ मैं कर रही हूँ। अभी जस्ट केक को बेक करने से पहले मैंने इसे बनाया था, बट आई एम सॉरी गाइस, मैं आपके साथ इसे शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन गया है। बट हाँ, अगर आप चाहते हो तो बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ इसका वीडियो शेयर करूँगी ताकि आप घर पर ही व्हिप्ड क्रीम बना सके, बहुत ही ईजीली बन जाती है। और अब हम इसके ऊपर रख लेंगे बचे हुए चेरी के पीसेस। और अब थोड़ी सी व्हिप क्रीम हम इसमें और लगा लेंगे ताकि हमारे केक की सेकंड लेयर इसके साथ अच्छे से चिपक जाए। और अब केक की दूसरी लेयर जाएगी इसके ऊपर एंड दोबारा से हम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम अपने केक को मॉइस्ट करेंगे। और अब केक के ऊपर जाएगी थर्ड और फाइनल लेयर। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना केक की जो बॉटम लेयर थी उसको टॉप में यूज़ करना है ताकि मुझे एक फ्लैट सरफेस मिल सके। और इसको हम प्रेस कर लेंगे।
अगेन हम इसको चेरी सिरप से मॉइस्ट करेंगे। और अब हमने पूरे केक को क्रीम से कवर कर लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा क्रीम है ना, इसको हम टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे। तो ये देखिए, लग रहा ना हमारा केक ब्यूटीफुल। चलिए अब इसको और ब्यूटीफुल बनाते हैं। इसके ऊपर हम व्हिप क्रीम से कुछ फ्लावर्स बनाएंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी एक कोन में डाल दी है। चलिए अब इसके फ्लावर्स बनाते हैं। और बिल्कुल सेंटर में हम डाल देंगे चॉकलेट शेविंग्स। और थोड़े से शेविंग्स हम साइड में भी लगा देंगे। और लास्ट में इसको फाइनल टच देंगी हमारी चेरीज। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और ब्लैक फॉरेस्ट केक इज रेडी टू ईट नाउ। चलिए अब इसे कट करके देख लेते हैं। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, और टेस्टी तो ये है ही। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को और आपको बहुत पसंद आएगा, आई एम श्योर। एंड इन लास्ट, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।